कैसे आप सब लोग। तो आज का प्लान कुछ ऐसा है, आज है भगत सिंह की शहीदी जयंती। तो आज उस लिए हमारे यहाँ गोकुल में है हमारा भाई संदीप, वो करता है रैली, हर बार करते हैं भगत सिंह की। तो आज वहाँ जाएंगे, भाई ने बुलाया है, आओ खूब इंजॉय आएगा, करो मिलो। तो जाना तो पड़ता है भाई के लिए, भाई बुलाया तो ही। तो जाएंगे वहाँ पे, मिलेंगे दोस्तों से हमने कुछ, और दिखाएंगे सीन वहाँ के। फोन तो आ चुका है बुलाने के लिए, तो चलते हैं आगे, दिखाएंगे सीन आपको, फिर जो रैली लिख वहाँ से दिखाएंगे। रेवाड़ी में से होके जाएंगे, हो सके तो जो बच्चे आएंगे रेवाड़ी में से जाएंगे फिर। तो यहाँ पे मिलते हैं, सीन दिखाते हैं कुछ, दोस्तों से मिलाते हैं, फिर निकलते सीधे। और कल जो ब्लॉग डाल, लास्ट ब्लॉग डाला था, उसमें कुछ आवाज़ गड़बड़ थी, एडिटिंग के टाइम पर नहीं हुई गड़बड़, वो बाद में हो गई गड़बड़। मैंने कैसे चेक भी किया था, अपलोड किया तब हुई गड़बड़ हुआ। तो अगर समझ नहीं आया तो कुछ सॉरी, उस लिए अगली बार चेक करेंगे अच्छे से। पहले तो नहीं हुआ कभी, पहली बार ही हुआ आज ही, तो देखते हैं फिर। तो सब मिलते हैं हम सीधे आपको लोकेशन, करते हैं प्रोग्राम शुरू आगे सब। फिर डीजे बैठे, डीजे आ जाए फिर स्टार्ट करते हैं, फिर दिखाएंगे आपको वहाँ पे शॉर्ट्स। मिलते हैं फिर सीधा। आप सभी युवा साथी हैं और इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब बदलाव आया है, चाहे वो अच्छाई की तरफ आया हो चाहे वो बुराई की तरफ आया हो, यानी कि समाज को बिगाड़ने में भी युवाओं का हाथ होता है और समाज को एक दिशा दिखाने में, समाज को उन्नत बनाने में भी युवाओं का ही अहम योगदान होता है। मैं ठीक बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? ठीक बोल रहा हूँ। अब क्योंकि देश की जिम्मेदारी युवाओं पर ही होती है, तो जिस तरीके से आप सभी को पता है कि आज 23 मार्च शहीदी दिवस, 24 मार्च को फांसी दी जानी थी उन तीनों शहीदों को, भगत सिंह, सुखदेव थापर, राजगुरु। जानते हो ना आप सभी एजुकेटेड हो, लेकिन अंग्रेजों के अंदर इतना खौफ पैदा हो गया, इतने सारे देशभक्त जो देश की चिंता करते थे, देश को आजाद कराना चाहते थे, वो सारे वहां जेल के बाहर जाके इकट्ठे हो गए कि वे हम फांसी देने नहीं देंगे इनको। क्यों? क्योंकि बेवजह उनको फांसी दी गई थी, वो उनका अपराध ऐसा नहीं था कि जिससे उनको फांसी दी जाए, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत इस हद तक डर गई थी कि अगर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव बाहर गए, इनको आजाद कर दिया, तो ना सिर्फ एक सैलाब आएगा जिसमें अंग्रेजी सरकार बह जाएगी, बल्कि हिंदुस्तान को आजाद होने से कोई नहीं रोक सकता। तो उनको एक दिन पहले ही 23 तारीख को ही फांसी पर चढ़ा दिया गया और लोग बाहर इंतजार करते रहे। जब खास खबर मिली के लिए उनको तो कल ही फांसी दे दी गई है, तो फिर क्या होना था? भी वो तो पंछी तो अपना पिंजरा तोड़ के उड़ गए। अब लोगों में आक्रोश तो था, लेकिन जब तक किसी समुदाय को, किसी भीड़ को, किसी समाज को दिशा दिखाने वाला या आगे बढ़ाने वाला नेता सामने नहीं होता है, तो फिर दिशा विहीन जो ताकत होती है वो बिखर जाती है। और वो आंदोलन जो था वो उस टाइम कुछ समय के लिए बिखरेगा, लेकिन आप सभी जानते हैं कि आने वाले टाइम में फिर धीरे धीरे करके लोग संगठित हुए, देश को आजाद कराने वाला आंदोलन हमारा आगे बढ़ा, देश आजाद हुआ। ठीक है, अब आजाद होने के बाद अपने देश को हम किस तरीके की दशा और दिशा दिखाएं? आप सभी जानते हैं कि आज भी हिंदुस्तान के अंदर हमें 75 साल की आजादी के बाद भी बहुत सारे कानून वो है जो अंग्रेजों के टाइम में बनाए गए थे, जिसमें आप लोगों से जुड़ी हुई बातें भी हैं। जो इंडियन एजुकेशन एक्ट है वो भी अंग्रेजों के टाइम में ही बनाया गया था, लेकिन विडंबना इस बात की है कि आज भी
हमारे देश में वो कानून उनको उनमें और कुछ जोड़ के भी आगे बढ़ा दिया। अंग्रेजों के टाइम में 16 तरह के टैक्स दिए जाते थे हिंदुस्तानियों से, आज 64 तरह के टैक्स। क्यों हो रहा है ये सब शोषण आप मुझे बताओ। राजीव गांधी ने एक बार एक संबोधन में ये कहा था कि भाई सरकार केंद्र से ऊपर लोग हैं, समझ गए। तो कारण इस चीज के पीछे क्या है ये मैंने अभी आपको बताया है कि सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार और देश की बागडोर उन लोगों के हाथ में है जो देश से सरोकार नहीं रखते, अपने घर परिवार और अपने आप से ही सरोकार रखते हैं। हो सकता है 100% ऐसे नहीं हो लेकिन 99% जरूर है। क्या आप इस बात से सहमत हैं भाई? जो आंकड़े आपको बताए गए हैं वो हमारे जो स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट है उनके हिसाब से निकले हुए हैं। ये हमारे देश को आजादी दिलाई, ठीक है, उस आजादी को हम कैसे संजो के रखें, कैसे अपने देश को आगे बढ़ाएं, दुनिया के पटल के ऊपर हम अपने आप को फिर से महाशक्ति बनाएं, उसके लिए आप सभी जिम्मेदार हैं। आप सभी अपनी अंतरात्मा के ध्यान से देखेंगे मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूं, ठीक है। सही और गलत का निर्णय जो आदमी खुद नहीं कर सकता दूसरा कोई नहीं कर सकता। कुछ भी आप करते रहो और अब हम जिस कार्यक्रम के लिए इकट्ठे हुए हैं उसके लिए हम चलेंगे, वहाँ शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। और आप लोगों में से भी अगर कोई भाई अपने विचार रखना चाहे तो पांच साल से भी और विचार करेंगे, ठीक है। चलिए मेरे साथ एक बार जयकारा करेंगे हम थोड़ा सा देश भक्त को याद करेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत मां, जय भारत मां।
Thank you.
तो है रैली में अच्छी रही, बढ़िया मजा आए भगत सिंह की रैली में। थक गए गला भी बैठ कर पूरा, तो सब इंजॉय किया। काफ़ी आए थे देशभक्त हमारे, दूर दूर से भी दोस्त जितनी सोच के से ज़्यादा अच्छे आ गए थे। अच्छा रहा प्रोग्राम पूरा मिला के, बहुत इंजॉय किया सब ने। ऐसे ही देशभक्त की करते रहो, भगत सिंह जैसे काम करोगे तो कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा आप लोगों को भी और सबको। दुनिया में सब एक समान है। बात भाभी बोली थी, अभी बोलते हैं भगत सिंह जैसे पूरे दिन बन सकते, थोड़े ट्राई तो करो उस जैसे बनने की, सफलता मिलेगी आप लोगों को और लंबा लोग होगा सब, बहुत ज़्यादा बहुत लंबा होगा। कुल मिला के मजे आए। तो आप लोग यहाँ तक लोग देखिए, इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और जल्दी से 2000 सब्सक्राइबर करा दो। मिलते हैं फिर अगले दिन अगले लोग के साथ। अब थोड़ी तबीयत भी सही है तो कोशिश करेंगे डेली डालूँ। तो आप इंजॉय करो इसको।